दिस इज न्यू डे न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेरे बुआ के घर पे और एक सरप्राइज मिलने वाला है आपको। अभी हम अभी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो बस अभी जाते हैं। ये देखिए ये है डॉग और इसे अभी घूमने ले जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना खुश हो गया है। तो गाइस अभी ये जो डॉग है ना, ये अनु पहन लाया अभी, जस्ट परसों लाया जस्ट अभी। मतलब हम भी आज ही आए इसको देखने के लिए। वैसे ये बहुत फ्रेंडली है, वैसे दिखता बहुत बड़ा है, वीडियो में दिख नहीं रहा उतना बड़ा, पर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, खतरनाक दिखता है उतना ही। हमने उसका हाथ वगैरह लगा, उसका नाम ब्रूनो नाम है उसका, तो बस अभी दिखाते हैं आप। सो गाइस ये जो डॉगी है ये अनु बैक के फ्रेंड का है, तो उन्होंने हमें दिया है क्योंकि उनके मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा इसलिए। तो वह अभी हमारे पास ही रहेंगे शायद, मतलब रहेंगे ही पक्का नहीं मालूम। तो बस अभी इसे रोज वॉक पे ले जाएंगे। तो गाइस अभी हम इसको जैसे जैसे आगे ले रहे हैं और जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं ना हमारे रास्ते में एकदम हट जा रहे हैं, क्योंकि दिखता है इतना खतरनाक है, तो पूरे ऐसा है सब लोग डर रहे हैं। जो लोग रास्ता भी नहीं देते ना वो भी रास्ता दे रहे हैं अभी। सो गाइस दिस इज न्यू डे न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं, मतलब मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा आपको, बाद में पता चलेगा, सरप्राइज बहुत बड़ा सरप्राइज है। जहाँ पे हमको जाना था हम वहाँ पे आ गए, आपको बाद में बताऊंगा मैं, सरप्राइज आपके लिए बहुत बड़ा। हमारी जहाँ पे हमको आना था हम वहाँ पे आ चुके हैं। वैसे तो आपने गेस कर ही लिया होगा, पर तो अभी मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कंफर्म होने का है। तो बस अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पे एकदम खतरनाक वाली सीरियस वाली मीटिंग चल रही है कि मतलब जो कन्फर्म करना है कि नहीं। मम्मी पापा निधि और अंशुल भाई भी हैं। जो मतलब जब मैं स्कूल से आया, आज स्कूल गया था तो पेपर था, तो मैं स्कूल से आया तो अभी तब उसके थोड़ी देर बाद सोम्या निधि और चाचा चाची भी आए, पर वो थोड़े बाहर इसलिए हमने इन्हें हमें हमारे साथ ले लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये गाड़ी कैसी है, मतलब जो ये ऐसी बनी है शादी, मालूम नहीं किसने, तो पूरे कंप्यूटर वगैरह लगे शादी एकदम कैसी है। तो ये देखा कुछ ऐसी गाड़ी है एकदम खतरनाक है। अभी हमारा सब हो चुका है। सो गाइस सरप्राइज ये था कि हम न्यू कार ले रहे हैं और ये नहीं पता वो कौन सी ले रहे हैं, जब आप व्लॉग देखना, पर इतना पक्का कि हम न्यू कार ले रहे हैं और उसकी बुकिंग वगैरह सब हो चुकी है और कंपनी आपको तो मालूम पड़ ही गया होगा ऐसे, पर देख लेना व्लॉग में मतलब कौन सी कंपनी की कार है। तो एक मिनट हाँ, तो गाइस हमारा मम्मी वगैरह सब आए थे हम देखने के लिए, श्री चाचा जी को मालूम नहीं है क्योंकि हम उनको सरप्राइज देंगे। तो मम्मी जी बताओ अभी कैसे लग रहा है एकदम कार बुक कर ली तो? अच्छा लग रहा है। चाचा दादी को मालूम नहीं है कि हम अभी यहाँ पे आए हैं, मतलब उनको सरप्राइज मिलेगा अभी, वो बाहर गए तो सोम्या निधि हमारे साथ ही आए थे इसलिए उनको पता चल गया, तो हम उनको भी पता नहीं वाले थे। तो बस अभी मजा आएगा और कुछ दिनों में आ जाएगी, शायद 8-10 दिनों में आ जाएगी, तो देख लेना कौन सी कार है। तो अभी हम यहाँ पे रुके अमृतलाल के पास, थोड़ा कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, नीति सोम्या तो साथ में घर जाके खाएंगे, पता नहीं अब क्या लेके आए थे अंशुल भाई और पप्पा गए, तो देखते हैं अभी। आ चुके हैं हम और अंशुल भाई और पापा ने तब समोसे लाए थे। एक मिनट भाई रुको जरा। तो गाइस वो अंशुल भाई ने पापा समोसे लाए थे अमृतलाल से, मैं वैन में तो बताया नहीं, उसके बाद म्यूजिक वीडियो थोड़ा इसलिए।
तो बस समोसे और भी खाएंगे हम सब, निधि सोम्या मैं अंजुल भैया। बस अभी हम कल आ चुके थे शोरूम वगैरह से, तो अभी हम जा रहे हैं चंचुदी के घर पे ब्रूनो के पास। यहाँ पे कुछ तो भी काम कर रहे हैं पप्पा अभी, अंजुल भैया पप्पा। अंजुल भैया को डांट पड़ गई है पहली इसमें। ये देखिए कुछ बेसिंग का काम चल रहा है शायद, बता नहीं। तो वो कल का लॉक छोटा हो गया था इसलिए वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं हम नेक्स्ट डे। और ये सब व्लॉग में कंबाइन करना रहा, क्योंकि थोड़ा लंबा व्लॉग बने। और अब वही गाइस अभी दिखा तो अभी कौन आया है मेरे घर से, एक मिनट। अभी आई और मेरे दादाजी आए अभी जस्ट गांव से। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं अभी गली में हूँ और एकदम धीरे धीरे व्लॉग कर रहा, क्योंकि सब सोए अंदर, अंशुल भैया और मैं, सॉरी अंशुल भैया और मम्मी, और मैं यहाँ पे अकेले आके व्लॉग कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मतलब फिर अगर उठेंगी मम्मी तो डांटेंगी एकदम, अगर आवाज हुई तो कुछ भी, इसलिए मैं गली में आके व्लॉग कर रहा था। सो गाइस बात ऐसे कि दादा अभी पहले आने वाले थे पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आ जाए, नहीं तो 5-6 दिन पहले आ गए होते। और अभी बहुत मजा आने वाला आगे के व्लॉग्स वगैरह में, और अभी घर का काम भी कम्प्लीट होने वाला है, तो जल्दी होम टूर की वीडियो भी आ जाएगी। तो बस हाँ, वेट करना और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। गाइस अभी बज रहे 5:13, मैं भी थोड़ी देर सो गया था इसलिए अभी व्लॉग बना रहे थे देर के बाद। सो गाइस अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये एग्जॉस्ट फैन की, क्योंकि वो किचन में लगाना है शायद, उसकी अभी आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। अंशुल भाई अनबॉक्स करी के इसे, फाड़ दिया अंशुल भाई ने वहां से। देखिए हमारा एग्जॉस्ट फैन, पहली बार हम एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं हमारे घर में। पूरे घर की धूल और गर्मी निकल सकती है, मतलब पूरा फ्रेश रहेगा घर में। अरे फाड़ दो ना कैसे भी। ये देखिए गाइस कुछ ऐसा है, ये नाम वगैरह लिखने का है। और बॉक्स के अंदर क्या देखते, कुछ नहीं, थर्माकोल वगैरह। अभी आपको ये एग्जॉस्ट फैन अभी ऑन करके दिखाते हैं। बस मम्मी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फालतू में डांट पड़ जाएगी और पोपट हो जाएगा हमारा। तो बस अभी चलते हैं, ये इस सॉकेट में ही लाएंगे इसके वायर। तो गाइस अभी इसे चालू करके देखते हैं, और उसका वायर तो अभी बहुत छोटा है, पर देखते हैं इसको लगा के क्या होता है, तो बस खराब नहीं हो जाना चाहिए। एक मिनट रुको, एक आपको बैक कैमरे से दिखा। अभी चालू करते हैं, कैसे तो भी हमने रखा है, बहुत छोटा वायर है इसका, इसलिए एक तो पास रखेगा, नहीं तो दूर रखे होता हमने भी। यहाँ पे हमारे अंशुल भैया बड़ा बड़ा दिमाग लगा रहे हैं इतने वायर लगाने में। ओ एक्सपेरिमेंट पहले इसमें पोपट हो गई है, शायद वायर अच्छे से नहीं लगाऊंगा। तो बताइए अंजुल भैया इस बार होगा क्या? नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। हाँ जो स्टार्ट करके देखते हैं। सो गाइस देखिए ऑन हो चुका, बहुत फास्ट घूम रहा है, बंद कर। सो गाइस बहुत फास्ट घूम रहा है, हाथ भी लगा तो कटेगा, मत करो ना। आज ग्रेट सक्सेस। अब ये बाबा को हम कार दिखा रहे कि अंदर वगैरह से कैसी, इंटीरियर कैसा, ऐसे लीफलेट पे ब्लू कलर है। तो कशी वाटली बाबा तुम्हाला कार? फार सुंदर, कलर सुद्धा आवडलेला आहे। हां येते दादाजी का रिएक्शन कार, हमारी कार को लेके। तो गाइस अभी मतलब कार आई रहेगी 5-6 दिन में या फिर 8-10 दिन में, जब भी आ गया आपको मालूम पड़ ही जाएगा, क्योंकि ब्लॉग वगैरह तो आएगा ही बिल्कुल। तो बस और ये रिएक्शन था, बहुत सही रिएक्शन दिया पापा ने। और
और गाइस व्लॉग देखना जरूर, ये वाला व्लॉग और इसके बाद वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले अभी फिलहाल। सो गाइस अभी देखिए बाबा ने थोड़ी इंग्लिश सीखी है। थैंक फॉर टचिंग। सो गाइस बाबा ने थैंक्स फॉर वॉचिंग बोला है, अब हमारी आई भी बोलेंगी दादी हमारी। सो गाइस अभी दादी भी बोलेगी हमारी इंग्लिश में। ओके बाय। सो गाइस ये था दादी से, तो हम रोज रोज इंग्लिश सिखाएंगे थोड़ी थोड़ी, क्यों ताकि वो ब्लॉग में बोल सके। तो आपको अगर पसंद है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।